मोर प्रिय छात्र छात्री मान को मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाई स्कूल क्लासेस तरफ समस्त स्वागत जनाऊँगी। पिले 2024 आनुआल एग्जाम पाई आमर ऑलरेडी सौरभ टेस्ट पेपर आसी जाइछि। एही टेस्ट पेपर रे थिबा मॉडल सैंपल पेपर फॉर हाफ ईयरली एग्जाम पाई सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश पाई एहा पाई थिबा सेट 1 रो किसी प्रश्न आम डिस्कसन करवा पिले माने केवल जे यही क्वेश्चन हाफ ईयरली रे आसीबो ता नुह एही क्वेश्चन मध्ये आमर आनुअल रे आसी पारे। तेबे डेरी करिबानी आसो आजर वीडियो टी स्टार्ट करिबा। टेस्ट पेपर ना होची सौरभ टेस्ट पेपर एवं हाफ ईयरली एग्जाम पाई सेट 1। तेबे सेट 1 रो 1 नंबर प्रश्न को जीबा। 1 नंबर प्रश्न कोन देइची इन द सेकंड लेटर लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम ड्यास पेसो अर्थात लेंचो सेकंड लेटर रे भगवान को रिक्वेस्ट करथिला ता पाख को केते पेसो पठेबा पाई। तबे हमें जानिचे जे फर्स्ट लेटर रे से 100 पेसो मागीथिला। ही नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। सेकंड लेटर रे से लेखिला ओनली 70 पेसो रीच डी मी बुझेला पिले। ता माने से फर्स्ट लेटर रे 100 पेसो मागीथिला सेकंड लेटर रे से लेखिसि 70 पेसो रीच डी मी ता माने तारा केते रिक्वायर ना 30 पेसो। तेनो इन द सेकंड लेटर लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 30 पेसो ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल लेंचो वेंट आउट टू डैश। तेबे जेते बेले बड़ा बड़ा टोपा वर्षा हला लेंचो ता फैमिली सहित तो सुपर कला बेले तेबे लेंचो बाहर को गला काहे कि आमे जाने छे पिले लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन दैट टाइम नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट एंड लेंचो वाज वेरी एक्साइटमेंट सो ही वेंट आउट व्हाई बिकॉज to have the pleasure of feeling the rain on his body अर्थात ता शरीर रे वर्षा जल को अनुभव करिया पई से बाहर को गला। तनो एठर राइट आंसर हबो फील द प्लेजर ऑफ अ रेन ऑन हिज बॉडी ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लेंचो सोडे रे नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग डैश कौन देखे कि लेंचो सामान्यतम सरप्राइज हेला नाही पिले कौन देखे कि ना द मनी पैसा देखे कि से सामान्यतम सरप्राइज हेला नाही बिकॉज ही वाज द कॉन्फिडेंस तार कॉन्फिडेंस थेला निश्चिंत भगवान मते सहाय्य करबे तेणु से पैसा देखे कि सामान्यतम सरप्राइज हेला नाही। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ वाज लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी पिले माने जेते बेले से पैसा गणिला ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी ही बिकेम एंग्री से रागी गला बिकॉज ही नीड 100 पेसो ओनली 70 पेसो रीच्ड हिम सो ही वाज एंग्री सो ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दोराजी इदुलजी जिमी वाज डैश हमें जानिचो व्हेन गांधीजी वाज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड दोराजी इदुलजी जिमी वाज द हेडमास्टर देन एंड ही वाज पॉपुलर अमंग द बॉयज ही वाज ए डिसिप्लिनेरियन ए मैन ऑफ मेथड एंड ए गुड टीचर सो दोराजी इदुलजी जिमी वाज ए डिसिप्लिनेरियन ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 गांधीजी कुड नॉट रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ हिज डैश से रिपेयर कर जो अवहेला हेथिले जो अवहेला करथिले से हैंडराइटिंग रे ताकु रिपेयर करि परले नहि बा पुनर्बार भलो हैंडराइटिंग करि परले नहि को समय रे ना ताको युवक अवस्था रे सो द राइट आंसर इज इन द यथ। 7 गांधी थैंक हिज डैश विथ ग्रेटिट्यूड पले गांधी काहाकु धन्यवाद देले शेषरे आमे देखिचे गांधी तांकर संस्कृत टीचर जहांको नाम होची कृष्णशंकर पांड्या जहांको जुगु से पवित्र संस्कृत बुक होली बुक्स हला पवित्र संस्कृत बुक बा बड़ बड़ ग्रंथ पढ़िबाकु सक्षम होइतिले तेणु परिशेषरे से जेतेले बायोग्राफी लेखिले से काहाकु धन्यवाद दैछंती ना तांकर संस्कृत टीचर मने रखो तांकर संस्कृत टीचर नाम होची कृष्णशंकर पांड्या सो गांधी थैंक हिज संस्कृत टीचर विथ ग्रेटिट्यूड ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर बेस्ड ऑन डैश अर्थात नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो पर्व गुड़िक साधारणतः कहा ऊपर पर्यवेक्षित वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले मन रखिए मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर अर्थात से मानकर ऑब्जर्व करथुया फेस्टिवल गुड़िक कहा ऊपर पर्यवेक्षित ना कृषि ऊपर पर्यवेक्षित सो दीज आर द बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर ऑप्शन ए हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 ड्यास बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द मिड अक्टोबर आमे जानिसे पिले जे आसाम रो लोक तीनोटी बिहू पालन करंती गोटे होची रंगाली बिहू कुंगाली बिहू भोगाली बिहू सीरियली मन रख पिले रंगाली बिहू प्रथमे जहाँ कि मिड एप्रिल रे एवं कुंगाली बिहू होची मिड अक्टोबर एवं भोगाली बिहू होची मिड जनवरी एठी कोन देसी पिले कोन देसी ना मिड अक्टोबर ता माने मिड अक्टोबर रे केउ बिहूटी से माने ऑब्जर्व करंती ना कुंगाली बिहू देखिबा कुंगाली बिहू देइसि ना नाही देखो पिले ऑप्शन रे कुंगाली बिहू देइनी आमे जानिचे कुंगाली बिहू रो अन्य नाम होची काटी बिहू सो डैश बिहू इज सेलिब्रेटेड इन द मिड अक्टोबर ना काटी बिहू ऑप्शन बी होची राइट आंसर 10 वांगाला इज द डैश फेस्टिवल आमे जानिचे पिले वांगाला और द हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गारोस इन द विलेज ऑफ मेघालय तेणु এই যে ফেস্টিভালটা কেউঠি যোগ পালন করা যায় না ইট ইজ এ হারভেস্ট ফেস্টিভাল অর নিউ ইয়ার ফেস্টিভাল না ওয়াঙ্গালা অর হন্ড্রেড ড্রম ফেস্টিভাল ইজ দ হারভেস্ট ফেস্টিভাল ইজ সেলিব্রেটেড ইন নভেম্বর বুঝিগেলা পিলে তবে মনে রখ ওয়াঙ্গালা হচ্ছে গোটা হারভেস্ট ফেস্টিভাল নভেম্বর মাসে পালন করা যায় সো অপশন এ হারভেস্ট ইজ দ রাইট আনসার क्वेश्चन नंबर 11 सी एफ अलेक्जेंडर सेज दैट गॉड ऑलमाइटी इज वेरी ग्रेट सो राइट आंसर होची ग्रेट ऑप्शन सी होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 इन ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल द माउंटेन टॉप लुक्स आमे जानिचे द पर्पल हेडेड माउंटेन द रिवर रनिंग बाय अर्थात एठारे माउंटेन को कलर देखा जाउची ना पर्पल So the right answer, the mountain top looks purple. Option D is the right answer. Question number 13. In all things bright and beautiful, the dash sun is described as pleasant. We know the cold wind in the winter, the pleasant summer sun. That means dash sun is described pleasant. Now the summer sun is described pleasant. So option A is the right answer. Question number 14. C.F. Alexander described all things as dash and beautiful. पहले first stanza को हमें चली जी बा मने रखी बा poem था first stanza कौन ना all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful. So all things dash and wonderful ना wise and wonderful option C है उची right answer. Question number 15. All things bright and beautiful is included in the book. जो राइटर अच्छा C. F. Alexander ए पोएम टा तंकर क्यों पुस्तक रु आसी छी ना Human for Children सो ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर Human for Children. क्वेश्चन नंबर 16 द सॉलिटरी रिपोर्ट्स इज रिपिंग एंड डैश बाय हरसेल्फ ना द सॉलिटरी रिपोर्ट्स इज रिपिंग एंड सिंगिंग से अमल करूथला एवं गीत गाउथला सो द राइट आंसर इज सिंगिंग ऑप्शन ए हेउची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 व्हाटएवर द देयर द मेडन सांग द अंडरलाइन वर्ड मींस पिले मेडन तले अंडरलाइन करछि एहार अर्थ कोन पिले मन रखिबा द मीनिंग ऑफ मेडन इज अनमैरिड गर्ल अर्थात अविवाहित झियो सो ऑप्शन सी अनमैरिड गर्ल इज द राइट आंसर William Wordsworth is regarded as a worship of nature. So the right answer is nature. Option A heuchi right answer. Question number 19. The poet listened motionless and deaf. Pile last stanza chi I listened motionless and still. So the right answer hobo still. Option B heuchi right answer. Question number 20. Dash sings welcome notes to the tired traveler in the Arabian sand. पिले माने अरब मरुभूमि रे
आमर टायर्ड ट्रावेलर अर्थात क्लांत जात्री मानू किए वेलकम नोट शुणाती स्टांजा थ्री रे प्ले दे नो नाइट एंगल डीड अवर चंट मोर वेलकम नोट्स द ओरी ब्यांस अफ ट्रावेलर्स इन सम सैडी हंट अर्थात सैडी हंट को आसुवा ओरी ट्रावेलर को वेलकम नोट किए शिखाए वेलकम नोट किए शुणाए ना द नाइट एंगल सो द राइट आंसर होची नाइट एंगल ऑप्शन सी होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 द जू एट लखनऊ इज डैश माइल्स अवे फ्रॉम द राइटर हाउस अर्थात आमर लेखक घर ठारू लखनऊ रो दूरता 200 माइल्स सो द राइट आंसर 200 ऑप्शन सी होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 टिमोथी स्लेप्ट इन डैश एट नाइट टिमोथी राति रे केउठी सोउथिला आमे जानिछे टिमोथी तांकर कुक्स अर्थात मोहम्मद रो क्वार्टर रे सोउथिला सो द राइट आंसर इज द कुक्स क्वार्टर्स ऑप्शन ए होउछि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू द क्वाइट अफ्रेड ऑफ डैश प्रथम रु टिमोथी काहा को भय करथिला ना द पपी राइट आंसर इज द पपी ऑप्शन बी होउछि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 द स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स लव बिटवीन मैन एंड एनिमल इज डैश तबे केउ गपरे मैन एवं एनिमल मध्ये रे संपर्क वर्णना कराई छि ना से गपटी कोन हमर फर्स्ट स्टोरी पिले ए टाइगर इन द हाउस द राइट आंसर ए टाइगर इन द हाउस ऑप्शन डी हेउछि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 हु नेम्ड द टाइगर टिमोथी पिले टिमोथी रो नामकरण के देथिले आमे जानछे ग्रैंड मदर सो द राइट आंसर होउछि ग्रैंड मदर ऑप्शन बी किछि पिला पिले ग्रैंड फादर भावंती किंतु ग्रैंड फादर ता डिस्कवर करथिले किंतु टिमोथी ना देथिले कि ना ग्रैंड मदर क्वेश्चन नंबर 26 एट लास्ट लस्कप बिकम ए वेल टू डू परिशेष लस्कप गोटे कौन होता ना नोटारी सो द राइट आंसर नोटारी ऑप्शन सी होउछि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 द बेकर कंसेंटेड टू चॉप वुड से बाध्य हला चॉप माने काठ काटिबा पई काहेकि ना से जो मिछो कहूतला से मिछरे से धरा पड़गला अर्थात हैड बीन ट्रैप बाय हिज ओन वर्ड्स काई काटिया पई सो द राइट आंसर होची हैड बीन ट्रैप बाय हिज ओन वर्ड्स ऑप्शन डी होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन हु सेड दिस बिले एटा किए कहिछि जे भगवान से महान स्त्री लोक को कौन दियंतु ना आशीर्वाद दियंतु एक कथा लस्कप कहिछि सो द राइट आंसर होची लस्कप ऑप्शन बी होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 आई एम ओब्लाइज टू बेग माय सर्कमस्टेंसेस हु सेड दिस एक कथा सर्जिंग को किए कहला ना लस्कप कहला सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 आज ए नोटारी लस्कप यंड 35 रुपेल्स पर मंथ तबे नोटारी से जेते हे गला से गोटे मास को केते इनकम करथला ना 35 रुपेल्स पर डैश ना पर मंथ सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पिले माने वीडियो को लाइक करिवो एवं बहु मात्रा रे एहा को शेयर करिवो एहार सेकंड पार्ट रे आमे क्वेश्चन नंबर 31 रु क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कशन करिबा अगेन थैंक्स एवरीवन।